उधम सिंह ने सन 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ ड्वायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऑर्डर देने के पीछे माइकल ओ ड्वायर का ही दिमाग था, जिसमें 1000 से ज़्यादा औरतों, बच्चों और पुरुषों की हत्या कर दी गई थी और कई हजारों से भी ज़्यादा घायल थे। 13 अप्रैल 1919 जब 20,000 से ज़्यादा लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में बैसाखी मनाने और रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने जमा हुए, तब उधम सिंह और उनके कुछ दोस्त लोगों को पानी दे रहे थे। इस समय प्रोटेस्ट को देख के कर्नल रेगिनाल्ड डायर ने अपनी ट्रूप्स को भीड़ में फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, जिससे कई हज़ारों की मौत हुई। ऐसा कहा जाता है कि उधम सिंह, जो कि उस समय सिर्फ 19 वर्ष के थे, ने उसी समय इस सब का बदला लेने का प्रण ले लिया। वह भगत सिंह से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। 1924 में वह गदर पार्टी से जुड़ जाते हैं, जो कि भारत के बाहर रहने वाले इंडियंस को ब्रिटिश रूल के खिलाफ ऑर्गेनाइज करते हैं। सन 1927 में वह भगत सिंह के कहने पर भारत वापस आते हैं और उनके साथ उनके 25 एसोसिएट्स और कई हथियार भी रहते हैं, परंतु उन्हें कुछ ही दिनों में बिना लाइसेंस के आर्म्स रखने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको 5 साल के लिए जेल की सज़ा मिलती है। सन 1931 में उनके जेल से बाहर आने के बाद उनकी मूवमेंट पंजाब पुलिस के लगातार सर्वेलेंस में थी। इसके बावजूद वह कश्मीर से होते हुए जर्मनी भाग गए और 1934 में लंदन पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक इंजीनियर की जॉब मिलती है। लंदन में वह माइकल ओ ड्वायर के असैसिनेशन करने का निश्चय लेते हैं। 13 मार्च 1940 में माइकल ओ ड्वायर को कैक्सटन हॉल लंदन में एक स्पीच के लिए आमंत्रित किया जाता है। उधम सिंह भी उस स्पीच को अटेंड करने का फैसला लेते हैं और किताब के अंदर बंदूक छुपाकर ले जाते हैं। जब माइकल ओ ड्वायर स्पीकिंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, तब उधम सिंह ने उस पर 2 गोलियां चलाई, जिसमें से एक उनके दिल से होते हुए निकली और उससे माइकल ओ ड्वायर की तुरंत ही मौत हो जाती है। उधम सिंह ने इसके तुरंत बाद सरेंडर कर दिया और हत्या के जुर्म में उनको मौत की सज़ा मिलती है। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह जी को पेंटनविल प्रिजन में फांसी चढ़ाई गई और इसी तरह वह वीरगति को प्राप्त हो गए।